जब हमास ने इसराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया। इसराइल, हमास और फिलिस्तीन, इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर हैं। इसराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है। साल 1948 में जब इसराइल बना, तभी से अरब देशों की इसराइल से नहीं बनती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का टू स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र ने टू स्टेट प्लान फिलिस्तीन और इसराइल के विवाद को खत्म करने के लिए बनाया था, जिसमें यहूदियों के लिए इसराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इसराइल पर हमले हुए, इसराइल ने न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत की। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इसराइल युद्ध, हर युद्ध में इसराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 का दशक आते आते इसराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने का प्रयास किया जाने लगा, दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत की, जिसका मकसद फिलिस्तीन को इसराइल से आजाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इसराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। 1995 में इसराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीनें लौटाना शुरू कर दिया। ऑस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का लेकिन सुरक्षा इसराइल के हाथ रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इसराइल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ऑस्लो 2 समझौते के बाद वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए और गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया है, अब दोनों देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को ये समझौता मंजूर नहीं था। यहूदियों और मुसलमानों के बीच विवाद और हिंसक घटनाएं होती रहीं। इन घटनाओं के बाद भी ऑस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। 4 नवंबर 1995 को शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम तब लगा जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यिजक रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ऑस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करते हैं। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गया है। आए दिन हमास के आतंकी इसराइल पर हमला करते रहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर जो रॉकेट दागे वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक है।